आप सच न्यूज 24/7 आपका स्वागत है। ट्रेनों के अंदर छोटे छोटे बच्चे कैसे भीख मांगते हैं उसका मैं एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ। मैं इस समय शाने पंजाब में हूँ, मुझे ट्रेन अमृतसर से नई दिल्ली की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर एक बच्चा है वो मैं दिखाता हूँ। ये जो एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची है और ये यहाँ पर एक करतब दिखाती है ट्रेन के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि ये पैसेंजर से भीख मांग रही है। तो ये जब मैं क्या नाम है आपका, क्या नाम क्या है आपकी, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, किसके साथ हो तुम, ये पैसे किसको देते हो, पैसे इकट्ठे करके किसको देते हो। तो देखिए ये बच्चा कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है या बता नहीं रहा। और ये बच्चा अकेला नहीं हो सकता, इसके साथ कोई ना कोई पेरेंट्स होंगे, इसके माँ बाप कोई होंगे। और किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगाई जाती है, आप इस ट्रेन में ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, जिस बच्चे की उम्र पढ़ने की है वो आज बच्चा भीख मांग रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा। शाने पंजाब एक्सप्रेस है नई दिल्ली से, ये अमृतसर से नई दिल्ली की तरफ जा रही है। क्या हुआ आपके पैर को, ये देखिए सर। हाँ जी, क्या हुआ, कब से, बचपन से खराब है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे ट्रेन में भीख मांगते हुए, कितना टाइम हो गया। यहाँ हो गया हमें 8 दिन। 8 दिन हो गए, तो कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हो रोज का। कोई नहीं देता। अच्छा, मदद नहीं करते लोग। आप अपना नाम बताइए पहले। दारू। हाँ जी, दारू। ये कब से गा रहे हैं ये? ये हमारा दादा परदादा। कितने साल हो गए लगता है आपको गाते हुए, कितने साल हो गए? 15-16 साल। तो कहीं से ट्रेनिंग ली है? खुद ही रहते हैं। अच्छा, तो ये ट्रेन्स में ही आप गाते हैं। अच्छा, आप ये आप कहाँ, आपका नाम क्या है? विक्की। आप कितने साल से कर रहे हैं ये? दो तीन साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो कितने आप थोड़ा पैसा वगैरह बना लेते हैं एक दिन में? बस पेट भर जाता है। अच्छा, अंदाजा फिर भी? अंदाजा भी 300-400 रुपए बन जाता है। 300-400 रुपए बन जाता है एक ट्रेन में? एक ट्रेन, दो ट्रेन आते हैं। दो ट्रेन करते हैं।
अच्छा, गुजारा चल रहा है आपका, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन में ये एक गायक है जो गाते हैं और संगीत भी बजाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना रोजी का इन्होंने जिंदा बनाया हुआ है, और इनका पुश्तैनी काम है, ये बचपन से ही कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। सच न्यूज़ के प्रोफेसर।